तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के बारे में। इस स्मार्टफोन की काफ़ी ज़्यादा लीक्स निकल के बाहर आ चुकी है और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। जो पहला वेरियंट होगा 4G स्मार्टफोन होगा और दूसरा वेरियंट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। कहने का मतलब है, पहले स्मार्टफोन में आपको 4G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और दूसरे वेरिएंट में आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको भी जानना है इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा, तो इस वीडियो पे बने रहिए और इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कब तक इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में कौन से नए स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, उम्मीद है कर लोगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लुक और डिज़ाइन के बारे में। तो बैक साइड में आपको पोनी कार्बन बॉडी देखने को मिल जाएगी जो आपको ग्लास का लुक देने वाली है। A51 में देखने को मिली थी, यहाँ पर आपको थोड़ा कटआउट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लुक और डिज़ाइन में A51 जैसी देखने को मिल जाएगी। बात करूँ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल स्क्रीन सुपर एमुलेट प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है, एक ऊपर आपको पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाएगा बीच में। तो इस स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है, आसान भाषा में चार कैमरे देखने को मिल जाएंगे। जो मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। A51 में आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिला था, लेकिन A52 में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा जो सोनी का होने वाला है। और आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाने वाला है। कैमरा इस स्मार्टफोन में काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगा और सैमसंग के सब तरह के फीचर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इस स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरे के साथ। और इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ 25W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा जो बॉक्स के अंदर, जो आप अपने स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो इस स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट है, जो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन में आपको दो तरह के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। जो 4G स्मार्टफोन होगा, उस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का 720 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कई स्मार्टफोन में देखने को मिला। और ये प्रोसेसर काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है, इसको प्रोसेसर को ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा, काफ़ी बेहतर ये प्रोसेसर है। और दूसरा वेरियंट देखने को मिलेगा जो 5G स्मार्टफोन होने वाला है, उस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और इस प्रोसेसर में 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, 5G की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं आखिरी में जो है इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो ये आपको 2021 के जुलाई और फरवरी के बीच में ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करें तो दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे और 4G वेरिएंट की प्राइस आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगी और 5G वेरिएंट की आपको 30 से 35 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगी। 5G की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन है और 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके लिख लेना है, उसका आंसर आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसके लिए वेट करें तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उम्मीद है कर लोगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।